हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उन लोगों के लिए तो बहुत ही खास खास एंड खास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन के लिए? जो कि अभी CPCS ट्रेनिंग कर रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि 26 सेंटर में चल रहा है अभी ट्रेनिंग। तो वो कंप्लीट होने के बाद जब वो लोग CHO के हिसाब से पोस्टिंग होंगे एक एक हेल्थ वेलनेस सेंटर में, तो उनके अंडर में कौन कौन सा मेडिसिन होगा, उनको कौन कौन सा मेडिसिन लोगों को देना है, इंडेंट कर पाएंगे, तो उसके बारे में मैं आज आप सबको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे देखते हैं। तो वीडियो आगे देखने से पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास लिस्ट है कौन कौन सा मेडिसिन, कौन कौन सा इंडिकेशन जो है, जो जो भी सामान है मेडिसिन रिलेटेड, ऑक्सीजन, एनेस्थेसिया, एनाल्जेसिक, हाइपर एमेसिस का जो भी मेडिसिन है, सब कुछ है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले बताना चाहूँगी आप सबको कि जनरल एनेस्थेटिक एंड ऑक्सीजन कौन कौन सा होगा आपके पास। तो पहला एक ऑक्सीजन होगा, फिर लिग्नोकाइन होगा, फिर कौन कौन सा होगा NSAID के हिसाब से डाइक्लोफेनाक, पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनाक, ये तीन ही होगा। फिर एनाल्जेसिक में देखिए कौन कौन सा होगा, ये है इब्यूप्रोफेन, मेफिनामिक एसिड, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, तीन ठो आप दे पाएंगे। ठीक है, फिर आया एंटी एलर्जिक एंड मेडिसिन यूज्ड इन एनाफिलैक्सिस, उसके अंदर में आप दे पाएंगे सेट्रिजिन, क्लोरफेनिरामाइन और इंजेक्शन क्लोरफेनिरामाइन मेलेट दे पाएंगे। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल एंटी हेलमिंथिस, उसके अंदर में अल्बेंडाजोल ही दे पाएंगे, जो कि एडल्ट के लिए भी है और चाइल्ड के लिए सिरप है। और कौन सा एंटी फेलेरियल का देंगे, ठीक है, वो है डाइथाइल कार्बामाजाइन, ठीक है, वो दे पाएंगे। फिर एंटीबैक्टीरियल में आपको एंटीबायोटिक भी कुछ आप प्रेस्क्राइब कर पाएंगे, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन, एमोक्सिसिलिन का टेबलेट और इंजेक्शन के हिसाब से सेप्रोटैक्सिम इंजेक्शन दे पाएंगे। ठीक है, वो उसका भी डोज सेपरेट सेपरेट है अकॉर्डिंग टू एडल्ट एंड चाइल्ड के हिसाब से। फिर आ गया एंटीफंगल में फ्लुकोनाजोल टेबलेट, डोज डिफरेंट डिफरेंट है। एंटी मलेरियल में आपको प्रिमाक्विन दे पाएंगे और जो कॉम्बाइंड कॉम्बीपैक आता है उसको दे पाएंगे, जिसमें है आर्टिसुनेट, सल्फाडोक्सिम, पायरीमेथामाइन, जो कि कॉम्बीपैक है उसको दे पाएंगे। ठीक है, फिर आ गया एनीमिया, अगर पेशेंट एनीमिक है तो उसको कौन कौन सा देंगे, फेरस सॉल्ट प्लस फॉलिक एसिड एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स में आप दे पाएंगे एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी है, मल्टी विटामिन्स और राइबोफ्लाविन, कॉलिकाल्सिफेरल, विटामिन ए, विटामिन ए एंड डी, फाइटोमेनाडाइन, जो कि विटामिन के है, K1, ठीक है, देन क्लोट्रिमाजोल देंगे अगर क्या जब डर्माटोलॉजिकल स्किन प्रॉब्लम अगर कुछ होगा तो क्लोट्रिमाजोल, पोविडोन आयोडीन, सिल्फर सल्फाडाजाइन, म्यूपिरोसिन दे पाएंगे। ठीक है, और उसके साथ भी कौन कौन सा और दे पाएंगे, गामा बेंजन हेक्साक्लोराइड प्लस सेट्रीमाइड, जो कि लोकली अप्लाई के लिए मलम आता है। ठीक है, और कौन सा क्लोट्रिमाजोल माउथ पेंट, अगर ओरल सरफेस म्यूकोजल मेम्ब्रेन में अगर कुछ हुआ है तो आप ये दे पाएंगे, देन लोशन, परमिथिन, देन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक में आप कौन कौन सा यूज कर पाएंगे, लोकली स्पिरिट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेट्रीमाइड लोशन, लासल सोल्यूशन, जो कि लोशन, ब्लीचिंग पाउडर, और कौन सा टेबलेट, हलासन, पोटेशियम परमंगनेट,
पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन ये सब यूज कर पाएंगे। फिर आ गया नेक्स्ट गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेडिसिन, जो कि हम एंटासिड के हिसाब से भी देते हैं। जैसे कि देखिए रैंटिडिन, पेंटाप्राजल, रैंटिडिन का इंजेक्शन भी दे पाएंगे, डोमपेरिडॉन, डाइसाइक्लोमाइन जो कि पेट दर्द के लिए मेनली दिया जाता है, देन टैबलेट एंटासिड दे पाएंगे, ड्राइड एल्युमिनियम जिसमें होता है हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन मेथाइल पोलीसिलोक्सेन, ठीक है ये देंगे। उसके साथ सस्पेंशन भी है, ORS पॉकेट देंगे, जिंक सल्फेट देंगे, मेट्रोनिडाजोल, देन सिरप का मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन दे पाएंगे, टेबलेट ऑर्डिनाजोल इंजेक्शन और निसेट्रन, ठीक है ये हो गया हमारा मेडिसिन। फिर कुछ कंट्रासेप्टिव भी आप एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि ओरल पिल, IUD, कंडम, प्रोजेस्टेरॉन कैप जो कि होता है 200 mg का, देन इथेनॉल एस्ट्रेडल, ठीक है वो भी दे पाएंगे, देन छाया अंतरा लेब, देन लेवोनोर्जेस्ट्रल होगा ये सब दे पाएंगे, और ऑक्सीटोसिस एंड एंटीऑक्सीटोसिस एंड एंटी हाइपरटेंसिव के कौन कौन देंगे। तो इसमें देखिए मिसोप्रोस्टोल इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन, निफेडेपिन, मिथाइल डोपा ये दे पाएंगे। सॉल्यूशन के लिए आप वाटर फॉर इंजेक्शन जो कि स्टेराइल वाटर इंजेक्शन, रिंगर लैक्टेट, RL, NS ये भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और कौन कौन सा ये सब आप सलाइन अटैचमेंट के लिए आपको मिल जाएगा, जो कि सेट सब है, ठीक है ट्यूब जो सेट वो भी मिलेगा, फिर स्कार्फन सेट भी मिलेगा, IV कैनुला मिलेगा। और कौन कौन सा एडिशनल मेडिसिन है देखिए यहाँ पे एंटीडॉट्स एंड अदर सब्सटेंस यूज इन पॉइजनिंग, अगर कोई पॉइजनियस पेशेंट आया आपके पास तो आप कौन कौन सा चीज़ यूज कर पाएंगे। देखिए एक्टिवेटेड चारकोल होगा आपके पास, एट्रोपिन होगा, स्नैक वेनम होगा, देन लाइफलेजेट पॉलीवैलेंट होगा, देन प्रोलिडोक्सिम क्लोराइड होगा, यह हो गया पॉइजनिंग केस के लिए। फिर अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया आई या नोज एंड थ्रोट का ENT, ठीक है तो आप उसमें ओप्लोक्सासिन का ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन दे पाएंगे, देन क्लोरोमाइसेटिन आई ऑइंटमेंट, क्लोट्रिमाजोन एंड लिग्नोकाइन आई ड्रॉप ईयर ड्रॉप, सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप, क्लोट्रिमाजोल ईयर ड्रॉप, नॉर्मल सेलाइन नजल ड्रॉप ये भी दे पाएंगे। और कौन कौन सा वैक्स सॉल्वेंट्स, ईयर ड्रॉप्स जो कि ईयर वैक्स रिमूवल के लिए दिया जाता है, बेंजोकाइन, क्लोरबुटल, पैराडीक्लोरोबेंजिन, देन टर्पेंटाइन ऑयल, देन कॉम्बो ईयर ड्रॉप भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। फिर अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हुआ, ठीक है कोई पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हुआ और कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन हुआ तो आप इसमें इंजेक्शन एड्रेनालिन इंजेक्शन, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन एंड 25% डी और डेक्स्ट्रो यूज कर पाएंगे। और ये तो हो गया मेडिसिन, फिर और एक्स्ट्रा आपके पास कौन कौन सा चीज़ होगा, बैंडेज होगा, रोलर बैंडेज होगा, कॉटन होगा, डिस्पोजेबल सीरिंज होगा 2 ml 5 ml का, कैटगट होगा, सूचर सिल्क होगा जो कि अगर पेशेंट कटवट होके आया होगा तो आप उसमें उनको स्टिच भी कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया ऑल टोटल आप कौन कौन सा चीज़ यूज कर पाएंगे। तो ये अगर आपके लिए जानना जरूरी है, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।